लोजपा के नवनियुक्त सदस्य बनने पर कुर्सेला देवीपुर चौक स्थित शिवराम ढाबा के प्रांगण में सोमवार को मृत्युंजय सिंह उर्फ फूल सिंह ने प्रेस वार्ता किया, जिसमें कटिहार जिला बरारी विधानसभा से लेकर कुर्सेला प्रखंड तक की कई तरह की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गंगा किनारे बांध से किसानों एवं आमजनों को बाढ़ जैसी समस्याओं से निजात दिलाने की बात की गई तथा गंभीरतापूर्वक सरकार के लोगों तक मीडिया के माध्यम से आमजनों की समस्याओं को पहुँचाने का प्रयास की बात कही गई। लोजपा के नवनियुक्त सदस्य मृत्युंजय सिंह उर्फ फूल सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी से कटिहार जिले के विकास मुद्दे पे बात की। विकास के मुद्दे पर जब हमारी काफ़ी लंबी वार्तालाप हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग हमसे तो वार्तालाप करके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी आदमी किसी प्लेटफार्म पर आकर के कुछ करना नहीं चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सदन में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखें और आकर के सदन के आवाज़ को बुलंद करके और कटिहार जिला के विकास का मुद्दा उठाएं। तो हमने बोला कि इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने बोला कि लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के आप सदस्य बनेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी आपके लिए विचार करेगी, और मुख्य रूप से बरारी विधानसभा में जहाँ कि हर साल बाढ़ की त्रासदी से लगभग 50,000 हेक्टेयर ज़मीन जो डूब जाता है और डूबने के बाद किसानों का त्राहिमाम हो जाता है, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग रहते हैं, ईसाई सिख सब लोग रहते हैं, त्यौहार का समय होता है जब किसान को अपने बच्चों को एक नया वस्त्र देना होता है, तो उनकी ये हालत नहीं रहती है बाढ़ की त्रासदी झेलने के बाद कि एक अपने बच्चे को वस्त्र भी प्रदान कर पाएँ। तो जब हमने उनको बताई, सिचुएशन बताई कि और हमने बताया कि हमारा जो कटिहार ज़िला है किसानों के ऊपर निर्भर है, और मुख्य रूप से हमने उनको जब अवगत कराया कि मक्का और केला का खेती यहाँ मुख्य रूप से होता था, लेकिन जब से बाढ़ की विभीषिका हम लोग झेल रहे हैं तो केला का खेती लगभग बंद ही हो चुका है, यहाँ पर नहीं के आसार हैं, होते ही नहीं है बिल्कुल ही। बाढ़ का पानी निकलते आते आते ही काफ़ी समय लग जाता है, और निकलते निकलते हमको लगता है कि 6 महीने हमारा बर्बाद हो जाता है, जिससे किसान सही समय पर सही फसल का सिंचाई नहीं कर पाते हैं, न बुनाई कर पाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर उन्होंने बातचीत हुई, संबंधित मंत्रालयों से भी उन्होंने बात किया, और मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा बने और बरारी विधानसभा की जो NDA गठबंधन की सीट है इसको आप सदन में आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ से MLA के रूप में किसी को चुन करके भेजें। तो उन्होंने इसके साथ ही मुझे आश्वासन दिया कि अगर आप भी चाहते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी आपके ऊपर भी विचार करेगी, ताकि आप वहाँ से बरारी से आकर के कटिहार ज़िला का मजबूत एक अपना दावेदारी दें और दावेदारी के साथ विधानसभा में आवाज़ को बुलंद करें और कटिहार ज़िला की आवाज़ बन करके लोक जनशक्ति पार्टी परिवार को भी मजबूत करें और वहाँ के विकास में हिस्सेदार बनें। मैं इससे प्रभावित होकर के 12 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्य बना। उसके बाद पुनः मैं उनके आदेश पर 17 अगस्त वो पटना में आकर के पार्टी कार्यालय में विधिवत यहाँ जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनके समक्ष भी मैंने सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चूंकि मेरा परिवार और मेरा समाज तो कटिहार है, तो हमने जिला अध्यक्ष से बात की, मोहम्मद जाहिद जी से। जाहिद जी ने भी मुझे काफ़ी सम्मान दिया, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले कटिहार जिला लोक जनशक्ति पार्टी पूरे 16 के 16 प्रखंड अध्यक्ष, सभी विंगों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष ने हमारा बहुत ही हर्षोल्लास से सम्मान और स्वागत किया। इसके लिए हम लोजपा परिवार के आभारी हैं, और हमारा एक ही मकसद है कि पद मिले ना मिले, कुर्सी मिले ना मिले, लोक जनशक्ति पार्टी को मैं मजबूत करूंगा। अगर पार्टी है तो पद है और कुर्सी है, तो पार्टी के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा, पार्टी का जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा,
और आप लोगों के माध्यम से मैं बरारी और कटिहार जिला के जनता को बताना चाहता हूं कि मेरा मुख्य मुद्दा बार ही रहेगा बरारी विधानसभा में, और कटिहार जिला के विकास के लिए मैं हर संभव हर सदन में हर सदस्य सदन के सदस्य से बात करके, वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, कटिहार की विकास में हमारी अहम भूमिका होगी और मैं आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में काम करता रहूँगा, कर रहा हूँ, और आप लोगों का सहयोग और आकांक्षा मिलता रहेगा मुझे। और दूसरी बात यह है कि हमारे बिहार में एक आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो चलाया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, यह विजन और मिशन बहुत जल्द हम डॉक्यूमेंट्री के रूप में लाएंगे, जितना जल्दी आएगा हम शीघ्र डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे और उससे हमारा विजन क्लियर हो जाएगा कि हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिए हैं इसके तहत हमारा क्या विजन है, क्या मिशन है।